कोरोना फाइटर 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का शॉल, श्रीफल और नोटों की माला से किया गया सम्मान। वृद्ध महिला के राख खाने की खबर वायरल होने से मचा हड़कंप, अधिकारियों के पहुंचने पर महिला ने बताई हकीकत। पिता के साथ महुआ पीने गई युवती पर बाघ ने किया हमला, मौके पर ही मौत। फ्रूट कंपनी के लिए महाराष्ट्र से आ रहे 13 मजदूरों में से एक को बुखार, सीमा से ही किया गया वापस। और आईटीआई रामाकोना के शिक्षकों ने 4 घंटे में बना डाला सैनिटाइजर टनल, ग्राम पंचायत को सौंपा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले और हर मौके पर ऐसे समय अपनी सेवाएं देने वाले 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का बुधवार को सिंगोड़ी वासियों ने शॉल, श्रीफल और नोटों की माला पहनाकर सम्मान किया। क्षेत्रवासियों ने इन कर्मचारियों का सम्मान करते हुए कहा कि आप सचमुच के योद्धा हैं। ऐसे समय में जब लोग अपने परिवार के साथ घरों में कैद हैं, आप अपना परिवार छोड़कर हमारे परिवार के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। 108 के ऐसे योद्धाओं को हमारा शत शत नमन है। वहीं 108 के पायलटों ने अपने सम्मान के बाद कहा कि ऐसे कठिन समय में हमें लोगों की मदद करने का मौका मिला है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पांडुरना विकासखंड के ग्राम चिचखेड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भटेवाड़ी की बुजुर्ग महिला पुनियाबाई ध्रुवे के लॉकडाउन के चलते भुखमरी के कारण गोबर के कंडे की राख खाने की घटना की जानकारी मिली। जब सरकारी अधिकारियों ने गांव में पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही मिली। दरअसल वृद्ध को उसके पुत्र के द्वारा खाना नहीं देने और ध्यान नहीं देने के कारण उसके नातिन प्रतिभा परतेती और उसके पति उसे अपने साथ अपने गांव भटेवाड़ी लेकर आ गए थे, जहां वह सुबह सुबह कंडे की राख से दांत साफ कर रही थी। किसी ने वही फोटो खींचकर कहानी कुछ और ही बना दी। जब SDM CP पटेल, जनपद अधिकारी लक्ष्मी मरावी, तहसीलदार मनोज चौरसिया सहित दलबल के साथ बुजुर्ग महिला के ग्राम पहुंचे तो मामला दांत मांजने का निकलकर सामने आया। पंचनामा बनाया गया जिसमें महिला को भोजन मिलने की बात कही गई। SDM CP पटेल ने कहा कि किसी भी मामले की तह में जाने के पहले घटना की पुष्टि कर लेनी चाहिए ताकि अप्रिय स्थिति ना बने। आपको बता दें कि राख खाने की बात जानकर विधायक नीलेश उइके भी बुजुर्ग महिला से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां महिला ने स्वयं राख से दांत मांजने की बात कही। खमारपानी पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुदगांव के मऊ गांव में एक शेर ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने पिता के साथ महुआ बीनने जंगल में गई हुई थी। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर भिवापुर से सावनेर के रास्ते आ रहे 13 मजदूरों में से एक मजदूर में कोरोना वायरस जैसे लक्षण मिले। हालांकि इनके पास मेडिकल चेकअप रिपोर्ट भी थी, लेकिन एक ही बस में सभी 13 मजदूरों में से एक को तेज बुखार पिछले 3-4 दिनों से था, जिसके बाद सीमा पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर सफल फ्रूट कंपनी बोरगांव जा रहे थे। आपका बहुत प्रॉब्लम था, उससे बोलना भी नहीं हो रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत थी और उसको 2 दिन पहले फीवर भी आया था। इस वजह से उनको बॉर्डर में एंट्री देने के लिए मैंने मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि एक की वजह से सारी परेशानी बढ़ जाती है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि भाई आप बॉर्डर पार नहीं कर, जबकि नागपुर में इतना इन्फेक्शन फैला है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है पूरी इंडिया में, और वहां के एक भी व्यक्ति अगर से आता है तो हमारे एरिया को भी वो पूरा इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नथमल माहेश्वरी आईटीआई रामाकोना ने 14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद सैनिटाइजर टनल बनाना शुरू किया और 4 घंटे में बनाकर तैयार कर दिया, जिसे बुधवार को उपसरपंच अब्दुल कलाम अंसारी की मौजूदगी में ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार में लगा दिया गया। आईटीआई शिक्षक नरेंद्र वाट ने बताया कि यूट्यूब में देखकर उन्होंने अपने साथी टीचरों के साथ मिलकर 4 घंटे में कैबिन तैयार किया। उपसरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने नथमल माहेश्वरी आईटीआई को धन्यवाद दिया है। नथमल महेश्वरी आईटीआई की टीचर द्वारा जो एक पहल की गई, आज जो हमारा देश और ग्राम आज जो कोरोना की महामारी में जो जूझ रहा है, और उन्होंने एक पहल कर एक सैनिटाइजर जो मशीन तैयार की गई और ग्राम पंचायत को भेंट की गई, इसके लिए हम ग्राम पंचायत की तरफ से उनके बार बार आभारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सैनिटाइजिंग मशीन है, हमने इसको यूट्यूब पे देखा था, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे कोरोना के लिए ऐसे इस प्रकार की मशीन बनाई गई थी। तो हमारे यहाँ नथमल माहेश्वरी आईटीआई में हम सभी टीचर स्टाफ ने मिलकर एक मशीन बनाई। इस मशीन को बनाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगे, और 4 घंटे में हमने ये मशीन हमारे रामाकोना पंचायत को प्रदान की, जिससे यहाँ आने वाले सभी लोग सैनिटाइजेशन हो पाएंगे और उनको इसका लाभ प्राप्त होगा।
जिले में कोरोना वायरस की चेन अब टूटती नजर आ रही है, जिसे प्रशासन से लेकर जनता तक राहत की सांस ले रही है। हालांकि अभी भी जिले के करीब 7 मरीज आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं और 130 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूरा हो चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि 146 भेजे गए सैंपल में से अब तक 4 पॉजिटिव और 130 निगेटिव आ चुके हैं, जबकि 11 की जाँच लंबित है। बताया गया है कि 4-5 संवेदनशील स्थानों में करीब 14,343 सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। शहर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एसडीएम ने 16 और 17 अप्रैल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें गांधीगंज की थोक किराना दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, पर वे होम डिलीवरी 10 बजे से 6 बजे तक कर सकेंगे। इस दौरान थोक सब्जी की दुकानें सुबह 8 से 1 बजे तक खुलेंगी, जहां से फुटकर सब्जी दुकानदार खरीदी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद शहर में अब पुलिस और सख्त हो गई है। आने जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है, साथ ही सत्कार चौराहे पर आने जाने वाले सभी 4-पहिया वाहनों की पूरी तरह से चेक किया गया, साथ ही मास्क पहनकर न घूमने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई। कोरोना वायरस में दीनदयाल रसोई के माध्यम से लगातार भोजन खिलाया जा रहा है, जिसमें निगम प्रशासन के अलावा कई सामाजिक संगठन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में षष्ठी माता मंदिर समिति ने निगम कार्यालय पहुंचकर निगम कमिश्नर राजेश शाही को 51,000 रुपए की राशि का चेक सौंपा। दुनिया भर में अपनी जो कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, इस कारण प्रधानमंत्री राहत कोष में एवं मुख्यमंत्री राहत कोष में श्री षष्ठी माता मंदिर की ओर से 51,000 रुपए सभी अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जा रहे हैं। सभी जनता से अब निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र जनता अपने ये महामारी पे अपने अपने घरों में रहें और महामारी जल्दी जल्दी विराम लगे। जुन्नारदेव तहसील के नवेगांव में भाजपा मंडल जुन्नारदेव द्वारा कोरोना वॉरियर्स का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सुनील मालवीय और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दिगंबर जैन तरन तारण भवन में समाज के सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री वितरित के लिए विशेष पैकेट तैयार किए हैं, जिन्हें प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तारण तरन दिगंबर जैन समाज श्री तारण तरन नवयुवक मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न सामग्री की किट बनाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने 5 kg का आटे का पैकेट, 1 लीटर का तेल, दाल, चावल, शक्कर और चाय पत्ती और सभी प्रकार के मसाले, ऐसी पूरी एक किट बना के यहाँ पे तैयार की जा रही है। हम आज हमारे द्वारा 100 किट बना के यहाँ तैयार की गई है और एसडीएम सर के द्वारा जैसा हमको आदेशित किया जाएगा कि यहाँ जरूरतमंद लोग हैं तो उनके आदेश के अनुसार उनके सुझाए हुए लोगों तक हम ये पहुँचाएंगे। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सौदा पत्रक की व्यवस्था कृषि उपज के नमूने के आधार पर किसान और व्यापारी की सहमति के बाद की जाएगी। जिस किसी व्यापारी को सौदा पत्रक की आवश्यकता हो, मंडी इंस्पेक्टर राजेश उइके और कृष्णा उइके से संपर्क ले सकेगा, लेकिन 20 अप्रैल तक मंडी में काम नहीं होगा और मंडी प्रांगण में किसी भी तरह की गतिविधि अगले प्रशासनिक आदेश आते तक नहीं की जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि व्यापारी नमूनों के आधार पर किसानों के उपज की कीमत लगाकर मंडी के अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तौल करवा कर भुगतान कर सकते हैं। दूसरे चरण का लॉकडाउन शुरू होने के बाद पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। बुधवार को ऐसा ही नजारा शहर के छोटा बाजार में सामने आया, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एक बाइक सवार युवक को ये भारी पड़ गया। पुलिस ने न केवल उक्त युवक की बाइक जब्त की बल्कि उसे उठक बैठक भी लगवाई। 21 दिन में यदि आदमी को नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी, हमें माफ करें, ऐसा कोई अन्य कोई रास्ता बताए प्रभु कि हम आपको कन्विंस कर सके कि भाई हम अपने घर में रहो, बताओ मुझे। पान के बिना नहीं रह पा रहा है, बताओ चाबी दे दो, आप पैदल जहाँ जाना है वहाँ जाओ, चाबी दे दो। आज कोरोना वायरस महामारी के चलते हिंदू उत्सव समिति ने जरूरतमंद लोगों को अनाज की किट का वितरण किया, साथ ही हिंदू उत्सव समिति के द्वारा अन्य स्थानों में भी अनाज की किट का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ समाजसेवी रमेश पोपली के नेतृत्व में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। ओबीसी महासभा द्वारा चंदनगांव में रहने वाले गरीब परिवारों को भोजन का वितरण किया गया। महासभा के सदस्यों ने बताया कि वह ऐसे लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं जहां प्रशासन भी नहीं पहुंच पा रहा है।
कोरोना फाइटर्स का सभी लोग अपने अपने तरीके से सम्मान करना चाहते हैं। जिले के जुन्नारदेव अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने जहां कर्मचारियों को मास्क और साबुन वितरित किए, वहीं वार्ड 1 और 2 में जरूरतमंद गरीब लोगों को साहू समाज के रमेश साहू, दिलीप साहू, रमेश साहू और अन्य समाज के लोगों ने अनाज और सब्जी किराना सामान की किट भेंट की, जबकि डहरिया समाज ने सफाई कर्मचारियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। रामकोना ग्राम पंचायत ने गरीब निर्धन लोगों की मदद की। ग्राम में सभी वार्ड मेंबर द्वारा गरीब निर्धन लोगों की सूची तैयार की गई। इस सूची की सहायता से सभी गरीबों को राशन, किराना और रोजमर्रा की जरूरी चीजें प्रदान की जाएंगी। वहीं सभी ग्रामवासियों को मुफ्त में सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।